देश और प्रदेश भर में मकर संक्रांति का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आपको बता दें, मकर संक्रांति का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है बरेली में, जहां पर्व के अंतर्गत कई श्रद्धालुओं ने नगर वासियों को खिचड़ी और चाय का वितरण किया। ये डालते मनीष कुमार गुप्ता की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। जो है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो है यहाँ खिचड़ी सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर ये आयोजन प्रतिवर्ष होता है। यहाँ पर हजारों लोगों की संख्या में सभी खिचड़ी सहभोज का कार्यक्रम किया जाता है और हजारों लोगों को खिचड़ी सहभोज कराया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है चाय जलपान की व्यवस्था भी कराई जाती है, जहाँ पर जो है सैकड़ों हजारों लोगों के लिए चाय जलपान कराया जाता है। ये प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में होता है, जो कि सभी राहगीरों को जो है इसमें बहुत ही बड़ा सहयोग मिलता है। आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। मुनीश को जो रखा जाता है खिचड़ी सहभोज का, ये किस उपलक्ष्य में रखा जाता है? ये मकर संक्रांति के शुरू में रखा जाता है उपलक्ष्य। तो ये क्या आप लोग व्यक्तिगत कराते हैं या सब लोग शामिल कराते हैं? सब लोग शामिल करते हैं, सारे दुकानदार मिलकर। प्रतिवर्ष होता है? प्रतिवर्ष। तो यहाँ पर जो आप लगभग कितने लोगों को भोजन करा देते हैं? लगभग 5000 लोगों को। 5000 लोगों को भोजन कराते हैं। तो इसमें जो है सभी लोग को इसमें जितना नहीं होता कंडीशन की कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है, कोई भी खा सकता, सब लोग उसे खा सकते। मकर संक्रांति जो होती है उसी को उपलक्ष्य में उसी को कराते हैं।